बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे नली वाला पुलाव। बीफ नली है हमारे पास, और उसके साथ और जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं जो आप सालन में नहीं बना सकते, उनका पुलाव बनाएँगे। बहुत मज़ेदार पुलाव होता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा पुलाव जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो बड़ी हड्डियां हैं वो सारी हम डालेंगे कुकर के अंदर, और हड्डियां जो हैं उनके साथ गोश्त भी है लगा हुआ। सिर्फ हड्डियां जो हैं वो नहीं है, इसमें नली भी है और भी जो बड़ी हड्डियां होती हैं वो सारी की सारी हैं, और साथ गोश्त भी लगा हुआ है काफ़ी। सारी डाल देते हैं इसमें, और तकरीबन सारी जो हड्डियां हैं उनके साथ गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक जो है ये डालेंगे। तो अभी हम डालेंगे तेज़पत्ता, और ये दालचीनी है, लौंग और बादियाने का फूल ये डालते हैं। काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, और तीन अदद हमारे पास सब्ज़ इलायची ये शामिल करेंगे। साबत खुश्क धनिया भी हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शामिल करेंगे पानी। तो अभी चूल्हे के अंदर आग हमने जला ली है, और प्रेशर कुकर जो है वो चूल्हे के ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर जो है वो हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया, और हमने जब इसकी सीटी जो है वो चलेगी तो उसके बाद 20 मिनट हमने लगाने हैं, यानी सीटी को हमने 20 मिनट घुमाना है, और उसके बाद हम नीचे उतार लेंगे। सीटी जो है वो चलना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खोलते हैं। बहुत ज़्यादा हीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच चलाते हैं, ये देखें यखनी हमारी निकल गई है। इधर हमने पतीला रख लिया चूल्हे के ऊपर। कुकिंग ऑयल डालते हैं, प्याज शामिल करते हैं। हमने थोड़ा शामिल किया क्योंकि ये जो यखनी निकली है इसमें भी काफ़ी हद तक ऑयल की मकदार मौजूद है। तो प्याज जो है उसको हम सुनहरा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो हमारा वो सुनहरा हो गया। टमाटर शामिल करते हैं कटे हुए। सब्ज़ मिर्च, अभी इसमें हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि यखनी के अंदर भी काफ़ी नमक हमने डाला था। थोड़ा हल्दी पाउडर भी डालेंगे, ये ऑप्शनल भी है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम टमाटर सब्ज़ मिर्च वगैरह जो है इसको नरम होने देते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको हम ढाँप देंगे। तो अभी इनको मसाले के अंदर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट के लिए नली जो है इनको हमने फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। तो अभी जो यखनी हमने निकाली थी वो भी पतीले के अंदर हम शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी हमने डाल दी है और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और पानी जो है, जो यखनी हमने शामिल की है, वो चावल जो है हमारे उनसे डबल है। अभी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो है ये हमने तकरीबन एक घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिए हुए थे। माशाल्लाह। पानी जो है वो खुश्क हो गया, अभी हम दम लगाएंगे। ने वज़न रख दिया पतीले के। तकरीबन 7 मिनट हो गए हमें दम लगाए हुए। तो चावल चूँकि हमारे थोड़े हैं, इसलिए दम हमने बहुत ज़्यादा नहीं देर तक लगाया। अभी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न हटाया सबसे पहले, अभी ढकना हटाते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। एक तो थोड़ा अंधेरा हो गया, दूसरा गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो पुलाव हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेतों में ही पानी लगाया हुआ है चावल की फसल को, तो मौज़म भाई को यहाँ पे टेस्ट करवा लेते हैं। मौज़म भाई चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हानी मौज़म भाई, माशाल्लाह मुकरम भाई, ज़बरदस्त फलाव का मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बना, बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि ये यखनी निकली है उसमें बना पुलाव, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे खेतों के अंदर रात को मच्छर बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी हम जल्दी से घर जाएँगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के रिलेटेड अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा भाई को कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मौज़म भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।